फ्रेंजय माता दी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख है। नवरात्रि में लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में लौंग के कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो परिवार में धन वृद्धि और परिवार में सुख शांति और कलह का जो माहौल रहता है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा जरूर समर्पित करें। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से घर में बरकत बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए भी आप लौंग का ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या फिर अपनी मनोकामना, ऐसा करने से बजरंग बली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्दी हो जाए। अगर आपके घर में भी अजीब या नकारात्मकता का माहौल हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में तालमेल नहीं है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी हर समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोज़ाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाए। नवरात्रि में रोज़ाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोज़ाना लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। अगर आपके घर में पैसों को लेकर दिक्कत है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आप कर सकते हैं। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में सुख सुविधाओं की कमी है लेकिन दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम नहीं है तो यह नवरात्रि आपके लिए ये उपाय करने से आपके आपसी प्रेम में बढ़ेगा। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांध किसी मंदिर में दान कर दें, आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही माँ महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पंखुड़ियों को अपने कमरे में रख दें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर अपने पति को पिला देगी और माँ दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देगी। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे माँ दुर्गा के चरणों पर समर्पित करें। इसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें, आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अवश्य समर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर अखंड दीपक नहीं जला पा रहे तो सुबह शाम घी का दीपक जरूर जलाना ना भूलें और दीपक में 4 लौंग डालें। 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में बांधकर माता रानी को समर्पित करें। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा पताका किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर गरीबों में बांट दें। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में छिड़ा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट कर दें। नवरात्रि के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री स्वास्तिक ओम श्री कलश दीपक गरुड़ घंटी पात्र कमल श्रीयंत्र आचमनि कुमकुम त्रिशूल आदि खरीदें, देवी माँ के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख लें। इससे धन में वृद्धि होती है और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। ग्रह कलेश से परेशान है तो एक पीला कपड़ा लें और उसमें लौंग का एक जोड़ा बांध कर इसे घर के किसी कोने में अवश्य रखें। इससे झगड़ा समाप्त हो जाएगा। अगर आपको बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है और अड़चने आ रही हैं तो हनुमान जी के सामने चमेली का तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डाल दें, फिर हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करें। इससे आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। लौंग और कपूर का धुआं नवरात्रि के दौरान रोजाना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लौंग से घर के दोष दूर होते हैं। जलते हुए कपूर पर 1 लौंग रखकर पूरे घर में घुमाने से घर के दोष दूर होते हैं। लौंग से धन प्राप्ति होती। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना माँ दुर्गा को गुलाब के फूल के साथ लौंग अवश्य समर्पित करें। लौंग से तंत्र मंत्र का असर कम होता है। नवरात्रि में चांदी की 2 लौंग बनवाकर देवी के
मंदिर में अर्पित करने से तंत्र मंत्र का असर खत्म हो जाता है। लौंग से तिजोरी में पैसा आता है। एक लाल रंग के कपड़े में 5 लोग और 5 कौड़ियाँ बांध के तिजोरी में रखें। इससे आपको धन संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी। अगर आपके घर में ग्रह क्लेश है तो आप ये सब चीज़ आजमाइए और आपको माता रानी सबसे छुटकारा देगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता।